डोंबिवली में थूकने को लेकर हुए विवाद और मारपीट में एक 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। घटना का CCTV भी सामने आया है। मामले में विष्णुनगर पुलिस ने कैफ खान नामक आरोपी को विजय पटवा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। घटना शनिवार दोपहर लगभग 1:30 बजे की है, जब डोंबिवली पश्चिम के राजू नगर में मृतक विजय पटवा उनकी 2-व्हीलर से जा रहे थे। उसी समय सड़क पर पैदल चल रहे कैफ खान ने थूका। कैफ का थूक विजय के शरीर पर उड़ा, जिसे लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और बात हाथापाई पर आ गई। इस दौरान कैफ ने लात घूसों से विजय की पिटाई की। मारपीट में विजय पटवा जमीन पर गिर पड़े और उनके सर पर गहरी चोट लगी। उपचार के लिए शास्त्री नगर अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उपचार के दौरान डॉक्टरों ने विजय की मौत की पुष्टि की। इस मामले में विष्णुनगर पुलिस ने कैफ को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने उसे 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। नवापाड़ा भागा मध्ये यातील आरोपी कैफ खान हा पायी चालत असताना तसेच यातील मयत विजय पटवा वय 52 वर्षे हे बाईकवरून चाललेले असताना आरोपी याने थुंकल्यामुळे थुंकलेल्या अंगावरून त्यातून वाद झाला आणि त्यातून शिवीगाळेहून त्याचं रूपांतर मारामारीमध्ये झालं। सदर मारामारीमध्ये विजय पटवा यांचा मृत्यू झाल्यामुळे नमुचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। आरोपी अटक करण्यात आले, त्या अनुषंगाने पुढील तपास आम्ही करत आहोत। आपल्याला 2 दिवसाची पोलीस कोठडी न्यायालयाने देण्यात आली।